अच्छे कर्मों से सत्संग में आते, पाप जन्म जन्म के कट जाते, हो पाप जन्म जन्म के कट जाते। सत्संग तीर्थ जो नहाए वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। कपड़े की साबुन निकाले, चिनग आग की घास को जाले, ओ चिनग आग की घास को जाले। बिन सत्संग और ना उपाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। जैसी संगत में जीव है जाता, वैसा बुरा भला बन जाता, हो वैसा बुरा भला बन जाता। रूहानी पुरुषों के पास जाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। बद हो संगत में जाओ, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी पाओ, हो रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी पाओ। काबू मन इंद्रियां हैं आए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। जो जीव संगत में आता, चक्र जन्म मरण कट जाता, ओ चक्र जन्म मरण कट जाता। जिंदगी का बीमा हो जाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए।
सब पीरों की वाणी बताती, मैल जन्म जन्म की कट जाती, हो मैल जन्म जन्म की कट जाती। शास्त्र नाम जी रहे बताए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए, वही जीवन सफल बनाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी नगर निवासी पंडाल से बाहर हैं, सभी से प्रार्थना है आप जल्दी से इस रूहानी सत्संग पंडाल में आएं। और जो बहनिया भाई यहाँ खड़े हैं, कृपया बैठ जाएं। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया सभी बैठ जाएं। जो भी भाई साइडों में खड़े हैं, पीछे जो भी खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी कृपया प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। जिनके पास मोबाइल फोन है कृपया उसे स्विच ऑफ कर लें, बंद कर लें। और आपसे निवेदन है कि आपने पूरा सत्संग सुनना है, बीच में उठकर नहीं जाना। पूरी समझ तभी आती है जब आप पूरा सत्संग सुनते हैं, पूरा फल भी तभी मिलता है जब आप पूरा सत्संग अटेंड करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपने पूरा सत्संग सुनना है। अब आपने आपस में किसी ने भी बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जी, यह सत्संग सर्वधर्म संगम है, रूहानी सत्संग, रूहानी मजलिस। हम सभी धर्मों को मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद, गीता, रामायण, महाभारत, जो पांचवा वेद कहलाता है, इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, और सूफी संत कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास और भी बहुत से संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। तो सभी धर्मों में 99% एक ही बात कही गई है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, भाषा जरूर अलग है, लेकिन हमने जो साइंस के नजरिए से धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों में मालिक के लिए, इंसानियत के लिए एक ही जज्बा है, एक ही जज्बात है। हमने नॉन मेडिकल पढ़ी, नॉन मेडिकल में रहे जब स्टूडेंट थे, थोड़ा पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया, पर जितना पढ़ पाए, साइंस के बहुत रुचि रखते थे साइंस में। और जब हमने धर्मों को पढ़ा तो पता चला धर्म महासाइंस है, धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है, हमारे धर्म जो लिखते हैं विज्ञान उसको बहुत देर के बाद फॉलो करती है, बहुत देर के बाद उसके अनुसार चलती है। कैसे, आपको कुछ एक उदाहरण। विज्ञान में बैक्टीरिया वायरस को नहीं माना जाता था, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था कीटाणु होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में साइंस ने माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था वो विज्ञान ने कुछ सौ साल पहले ही माना है, पर विज्ञान ने माना जरूर। हमारे सभी धर्मों में लिखा है लाखों करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ब्रह्मांड में है, लाखों खंड ब्रह्मांड है। पहले साइंस ने नहीं माना, बस अभी अभी माना है कि हां ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों सूरज हैं,
ये वो साइंसदान मान चुके हैं जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था। तो ये तो कुछ एक उदाहरण है, जब उसको ध्यान से पढ़ो तो हमारे धर्म महाविज्ञान जो लिख देते हैं उससे बदलते नहीं, विज्ञान बदलती रहती है। विज्ञान ने तो ये बोला आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर विज्ञान बदल गई बंदर और आदमी का पूर्वज कपी है, और अब विज्ञान फिर बदली खड़ी है कि नहीं इनका पूर्वज कोई और है। जबकि धर्मों में साफ स्पष्ट जो चीज बोली गई वो ज्यों की त्यों थी, है और हमेशा रहेगी। धर्म का सच कभी नहीं बदलता। हमारे धर्मों में पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुष गुरुओं ने जो लिखा था सच था, सच है और सच ही रहेगा, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। आदमी ना माने तो ना माने, ये आदमी की मर्जी है, आदमी बदल जाए तो बदल जाए, पर धर्म कभी नहीं बदलती। उनमें सच था और सच है। तो ऐसे पाक पवित्र धर्मों की चर्चा करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना गुजारिश कि अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं, तो आप दो लाइनें लिख के स्लिप भेज दीजिए, एक लाइन दो लाइन। आपके आसपास सेवादार हैं, वो आपकी पर्ची को यहां तक पहुंचाएंगे। हम कोई विद्वान नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। करने वाला ओम हरि अल्लाह राम गॉड है। तो जैसा वो ख्याल देंगे वैसे आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो आपकी इच्छा है, बस लिख के भेज दीजिए, आसपास के सेवादारों को दे दीजिए, वो यहां से आपको पढ़ के सवाल सुनाएंगे, और फिर जैसा ख्याल देंगे मालिक, जैसा नजरिया है, वो आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो आज का जो भजन नज़्म है जिसमें रूहानी सत्संग होने वाला है, और वो भजन है जी, नज़्म है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवां, देखे जो सब नाशवां। समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय ना तो कभी किसी के लिए रुका है और समय ना कभी किसी के लिए रुकेगा, समय चलता रहता है। जो आलस्य में पड़ जाया करते हैं वो अपना नुकसान खुद कर लिया करते हैं। समय वो जंगली घोड़ा है जिसके गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ पकड़ के नहीं रोका जा सकता। कहने का मतलब, समय से पहले अगर आप तैयार रहते हैं तो समय के साथ साथ दौड़ सकते हैं, और अगर आप समय निकल गया पीछे पहुंचना चाहो तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। समय की कदर कीजिए। आम तौर पे हमारे समाज में कहावत कि बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका बच्चा छोटा था, नेचुरली हम बोलते हैं बच्चा छोटा, बेटी छोटी, बेटा छोटा, बड़ा हो गया। लेकिन संत रूहानी फकीर इसके उल्ट कहते हैं, नहीं तेरा बच्चा छोटा हो गया। कैसे? मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 60 साल है, आज से 10 साल पहले वो 10 साल का था, बाकी उम्र थी 50 साल शेष उम्र, आज वो बच्चा 20 साल का हो गया। मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया, पहले 50 बकाया थी अब 40 बकाया रह गई। क्योंकि जो भी सेकंड मिनट घंटा दिन महीना साल गुजरता है वो आपकी कुल उम्र में से कम होता चला जाता है। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन हकीकत है कि जो समय गुजरता है वो लौट के नहीं आता, जो स्वास्थ्य चले जाते हैं वो वापिस नहीं आया करते। इसलिए समय की कदर कीजिए। समय में क्या करना चाहिए? अच्छे भले पुरुषों का संग करो, नेकी भलाई की बातें करो। आप जब चुगली निंदा करते हैं, लेग पुलिंग टांग खिंचाई करते हैं, क्या बता सकते हैं उससे आपको क्या नशा मिलता है? क्या आप बता सकते हैं उससे आपको क्या लाभ होता है?
सत्संग करते करते हम एक कॉलेज में चले गए। तो कॉलेज में हम बैठे थे तो बच्चों ने कहा, पिताजी गुरुजी हमसे कोई बुरी आदत छोड़वा दो। हमने कहा बेटा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ, एक बुरी आदत आप बोल दो हम छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है, तो आप चुगली निंदा मत किया करो। एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, बच्चे वाली बात आपकी भी हो सकती है। बच्चा कहने लगा रोते रोते, गुरुजी अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या सारा दिन? जरा सोचिए, आप जो फालतू की बहसबाजी करते रहते हैं, चुगली निंदा करते रहते हैं, उसके अलावा कोई और बात भी करते हैं क्या? छोड़ दीजिए चुगली निंदा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। कोई पास से गुजरा उसकी निंदा, किसी का नाम याद आ गया उसकी निंदा, क्यों? आपको क्या मिलता है? हमारे हिंदू धर्म में लिखा है पर निंदा सौ गौ घात समान है। सौ गौ घात करने के समान है किसी की निंदा करना, अपने शरीर को छोड़ के पर निंदा। इस्लाम धर्म में लिखा है फालतू की बहसबाजी अल्लाह की इबादत से दूर करती है। खुदा के बंदो, फजूल की बातों में ना उलझा करो, नेकी और अल्लाह के कलमा अता करने की बातें किया करो। सिख धर्म में लिखा है निंदा भली किसी की नाही मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके कोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छा काम नहीं है। कौन करता है? मनमुख, जो मन के कहने चलते हैं, जो किसी की गुरु पीर फकीर को नहीं, किसी गुरु को भी नहीं मानते, वो निंदा करते हैं। मनमुख मुग्ध, मुग्ध कहते मूर्ख को, मूर्ख करण, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। दोनों जहां में मुंह काला होता है लोग थूकते हैं, यार ये क्या है? और यहां भी नरक, आगे भी दोज का दरवाजा उनके लिए खुल जाया करता है। इसलिए कभी किसी की बुराई ना गाओ। आप दूसरों को बुरा कहते हैं क्या? आप दूध के दुले हुए हैं? कभी अपने गिरेबान में देखा है कि आप में कमियां नहीं है? अच्छे कपड़े पहनना, दिखावा करना अलग बात है, धर्म को मानना अलग बात है। अगर वास्तव में धर्म को मानते हो तो आप ठगी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, निंदा चुगली नहीं कर सकते और किसी किस्म का नशा नहीं ले सकते, अगर धर्म को मानते हो तो। क्योंकि हमारे धर्मों में तो ऐसी शिक्षा ही नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करो और प्रभु के नाम का सुमरण करो। इस्लाम धर्म में लिखा है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह का कलमा अता किया करो। सिख धर्म में लिखा है दसानुवां दी किरत करो और वाहिगुरु को याद करो। और ईसाई धर्म में लिखा है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। कहां लिखा है निंदा किया करो? क्या किसी धर्म में लिखा है ठगी मारो? बताइए, क्या किसी धर्म में लिखा है बेईमानी करो? किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा। तो जो नशे की दुकानों पे जाते हैं वो कौन होते हैं? उनका धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, साफ साफ लिखा है किसी भी तरह का कोई नशा नहीं कर सकते। पर आप तो धर्म के नुमाइंदा भी बनते हो और नशे भी करते हो। तो भाई धर्म को मानना नहीं, ये धर्म को बदनाम करना है। तो नशे बुराइयां धर्मों में मना है। धर्मों में नेकी भलाई करने की प्रेरणा दी जाती है, भले कर्म करो, नेक नियत से नेकी करो, नेक नियत रखो। अगर नियत में खोट है, जितनी मर्जी भक्ति इबादत करते रहो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दया में रहमत के लायक कभी नहीं बन पाओगे। आपका हृदय साफ चाहिए, दिलो दिमाग में पाक पवित्रता चाहिए, तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत बरसती है, तो उसकी कृपा दृष्टि होती है। अंदर छलकपट, मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं होना चाहिए।
और आजकल यही हो रहा है। दिखने में जो नजर आता है वास्तव में होता नहीं, और जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं। तो भाई आज आपको धर्म की सच्ची बात जो थोड़ी कड़वी होती है बताएंगे आपको, सभी धर्मों की बात, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं, दिखावा नहीं करते, ढोंग नहीं करते, सिर्फ मानते हैं, पूरी कोशिश करते हैं 100% सभी धर्मों को माने और मानते भी हैं। धर्म को मानना बहुत बड़ी बात है। धर्मों में ऊंच नीच नहीं बनाई गई, धर्मों में छोटा बड़ा नहीं बनाया गया। हमारे पवित्र वेदों में अगर लिखा है वर्ण बनाए हैं, वो किसी की जात पात नहीं बनाई। जो मरे हुए पशुओं को उठाता है, उसका चमड़ा उतारता है, हड्डियां उठाता है, उसको शूद्र कहा गया। फिर दुकानदार वैश्य समाज, फिर जो समाज की रक्षा करते हैं क्षत्रिय, जिनको ब्रह्म ज्ञान है ब्राह्मण कहलाए। पर उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई शूद्र के घर पैदा होता है और वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण ही कहलाएगा। सो वेदों में गलत नहीं लिखा। बताने वाले गलत बता दें तो अलग बात है, सुनने वाले गलत सुन लें तो अलग बात है, लिखा हुआ तो सच है और सही है। सभी धर्मों में ऐसा है। हम एक बार लखनऊ साइड में सत्संग करते करते गए, वहां किसी ने हमें सवाल किया, गुरुजी इस्लाम धर्म में जो काफिर कहा जाता है वो हिंदू को सिख को ईसाई को गालियां दी गई हैं। हम हंस पड़े, कहते हंसे क्यों? हमने कहा आपकी नासमझी पे। काफिर का मतलब है जो ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु का नाम नहीं लेता लण तैसे आदमी पे, और कोई गाली नहीं है। जो ओम को याद करे, अल्लाह को याद करे, वाहेगुरु को याद करे, गॉड को याद करे, वो काफिर नहीं होता। काफिर वो होता है जो मालिक को याद नहीं करता और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। ये तो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। कोई बना दे अलग बात है, पर धर्मों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, हमने खुद पढ़ा है। तो लोगों में गलत फहमियां बहुत होती हैं। उस गलत फहमी की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को बुरा मानने लग जाते हैं। हम शेर कहा करते हैं और उस शेर को हमने एक गीत के रूप में भी गाया, जो कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उसके व्यूवर हैं और बहुत फेमस हुआ। तो वो शेर है, ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ध्यान से सुनिएगा, ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। एक और शेर, पेड़ फलों से भरा, पेड़ फलों से भरा, फल एक गला, गला फल है, गला पेड़ को कहे ना कोई, बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना होए। धर्म बुरे नहीं होते, धर्म तो सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। कोई वैसा नकाब ओढ़ के, कोई वैसे पहनावा पहन के बुरे कर्म करने लग जाए, वो आदमी बुरा हो सकता है। धर्म को बुरा मत कहिए, क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने जो लिखा वो आदमी के भले के लिए लिखा है, नुकसान के लिए नहीं लिखा। सारी सृष्टि, सारी खलकत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की रियाय है, प्रजा है, उसी के फायदे के लिए लिखा है। तो भाई यही हकीकत है कि आपको समय मिला है। समय को अगर दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्य शरीर को भी संत समय कहते हैं। आपको मनुष्य शरीर मिला है, सर्वश्रेष्ठ है। पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों से जुड़ के बॉडी शरीर बना करते हैं। ये अलग बात है, किसी में एक तत्व, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार ज्यादा हैं। जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, उसमें एक तत्व मुख्यतः होता है और वो होता है पानी। कुछ कीड़े मकोड़ों में दो ही तत्व होते हैं, हवा और आग। रेगिस्तान की जगह, यहां नजदीक कोई पेड़ नहीं होता, कोई घास नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहां टीले होते हैं, बालू रेत होता है। वहां भी कीड़े मकोड़ों को रेंगते देखा गया, क्योंकि आग और हवा हर जगह होती है, गर्मी और हवा। तो इस तरह उनके शरीर को यही चाहिए।
पशुओं में चार होते हैं, पक्षियों में तीन, पशु में पृथ्वी पानी अग्नि वायु, लेकिन आकाश तत्व सब में नाम मात्र होता है। आदमी में आकाश तत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आकाश तत्व की वजह से बुद्धि विवेक दिमाग होता है, तो इसलिए आदमी में सबसे ज्यादा दिमाग है। आकाश तत्व पांचों तत्व परिपूर्ण किसी शरीर में है, तो अल्लाह राम ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, बाकी किसी में ऐसे पांचों तत्व परिपूर्ण नहीं है। पर आप ऐसा काम कौन सा करते हैं जिसके लिए धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया? हमारे हिंदू धर्म में बोला गया इंसान प्रभु की सर्वश्रेष्ठ जोनी है, मुखिया शरीर है। इस्लाम धर्म में कहा गया आदमी खुद मुख्तियार है। सिख धर्म में कहा गया आदमी सबसे अति उत्तम मांस शरीर है। और ईसाई धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य। क्यों? जरा तुलना करके देख लीजिए। खाता आदमी है, खाते जानवर हैं। आदमी अपने हिसाब से खाता है और जानवरों को जब मिल जाए अपना पेट भरने के लिए खाते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। बाल बच्चे इंसान के होते हैं, बाल बच्चे जानवरों के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, जानवर पक्षी भी घोंसला या कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं। बल्कि जानवरों का जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। और आदमी, आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं, कैसे संभाला जाए? और मरने के बाद हड्डियों पे भी टैक्स लगता है। कई जगह तो झगड़े हो जाते हैं कि हड्डियां कहां डालें, कैसे डालें, झगड़ा हो जाता है। लोग वहां बैठे होते हैं, ये मेरा ग्राहक, मेरा ग्राहक, मेरा ग्राहक, जुत्तम पेल हो जाता है। शायद कोई बुद्धिजीवी कहे गुरुजी आदमी ने तो साइंस में बड़ा कुछ बना लिया है, क्या नेट मीटिंग है, क्या फोन है, क्या मोबाइल है, क्या जहाज है, क्या 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 नहीं बनाया। वाकई ऐसा पशु नहीं बना सकता। पर हे भाइयों, हे बहनों, अगर आप ये सोचते हैं कि आदमी बहुत बुद्धिजीवी है और उसने साइंस में बड़ा सुख सुविधा के साधन बना लिए, तो आपको ये बता दें आज अगर किसी की वजह से पूरी इंसानियत, पूरे आदमी बारूद के ढेर पे बैठे हैं, तो वो सिर्फ आदमी की वजह से। एटम, हाइड्रोजन परमाणु, पता नहीं कौन कौन से बम बना रहा है आदमी ताकि सबको खत्म कर दिया जाए। क्या ऐसा खतरा इन जानवर से है? नहीं है। तो इसमें भी जानवर ही आगे निकल गए, आदमी तो फिर पछड़ गया। तो आदमी को क्यों कहा गया सर्वश्रेष्ठ? हमारे गुरुओं ने, पैगंबरों ने क्यों कहा खुद मुख्तियार सर्वश्रेष्ठ? एक ही वजह है, और वो वजह ऐसी है जो अपने आप में बेमिसाल है। आदमी, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा आती है, वो इस शरीर में मृत्युलोक में रह के ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करके उसकी दया में रहमत दर्श दीदार को पा सकती है, जबकि जानवर चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। तो ये फर्क है जिससे इंसान और हैवान यानी जानवर में फर्क किया जा सकता है। पर बहुत से इंसान तो जानते ही नहीं राम का, अल्लाह का नाम लेना। सुबह उठे, रफाहजत गए, फ्रेश हो गए, खाना खाया, भाग दौड़ सारा दिन, फिर खाना खाया, फिर भाग दौड़। ये रॉबोट नहीं है, एक तरह का मशीन बन गया आदमी। गाड़ियां नहीं चलती, उसमें डीजल पेट्रोल चाहिए, और आदमी को भी डीजल पेट्रोल सुबह डालता है, फिर दोपहर को डालता है, बीच बीच में भी डालता रहता है। जगह जगह कॉर्नर बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, पेट्रोल पंप, आदमी का पेट्रोल मिलता है, जितना मर्जी डाल लो। हो गया ना मशीन आदमी। अगर आदमी में है, मानवता नहीं है, तो आदमी और मशीनों में कोई फर्क नहीं है। ये नहीं रोका गया जितना मर्जी कमाओ, पर आत्मरक्षा निर्वाह के लिए और जीने के लिए कमाओ। जीने लग गए तो मशीन बन जाओगे। कई लोग कमाने पगला जाते हैं, वो ठगी, बेईमानी,
प्रेशर से दूसरे का हक मार के खाया, अरे किसी के मुंह का निवाला छीन के मुंह में डालोगे तो वो धीमे जहर का काम करेगा, अमृत आबोहयात का काम नहीं करेगा। इसलिए किसी का हक मार के ना खाओ, मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाओ। तो आज के दौर में धर्म बहुत पीछे छूट रहे हैं। धर्म का पहनावा हर कोई पहनता है, पर धर्म के जो वचन हैं, कहते हम धर्म को मानते हैं पर धर्म के वचनों को नहीं मानते। हम गुरु पीर पैगंबर को तो मानते हैं पर गुरु पीर पैगंबर के वचनों पे नहीं चलते, ये तो बिल्कुल गलत है। गुरु पीर पैगंबर को भी मानो और उनके वचनों को भी मानो, तभी जिंदगी में असली सुख मिलेगा, तभी जिंदगी में परमानंद लज्जत खुशियां आएंगी। तो भाई हमारा काम तो आपको बताना है, जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें लेक्चरर टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे वो फॉलो करें ना करें उनकी मर्जी, पर वो तो अपना फर्ज अदा करते हैं। उसी तरह एक फकीर होता है, लाइक ए टीचर लाइक ए लेक्चरर, वो लोगों को आके सच्ची बातें बताता है, हाथ जोड़ता है कि मान लो घर में सुख आएगा शांति आएगी, आगे मर्जी भाई मानने वाले की। नहीं मानता तो गुरु विचारा क्या करे जा शिक्षण में चूक। एक क्लास है, उस क्लास को एक टीचर पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, बहुत बच्चे मैथमेटिक्स ग्रेड हासिल करते हैं, कोई मेरिट होल्डर है, कोई फर्स्ट डिवीजन है, कोई सेकंड डिवीजन है, कोई थर्ड डिवीजन है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। वो माँ बाप को कहते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। अगर टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो फिर मेरिट कैसे आगे कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन में कैसे आए, कुछ बच्चे पास कैसे हुए। असलियत बात यह होती है, टीचर की कमी नहीं होती, बच्चे जो फॉलो नहीं करते, बच्चे जो माना नहीं करते, वो कैसे पास होंगे, कैसे वो डिग्रियां हासिल करेंगे। तो इसी तरह पीर फकीर हर धर्म की बात सुनाते हैं, सच्ची शिक्षा देते हैं, सुन के मान लो तो फायदा ही फायदा है, अगर नहीं मानोगे भाई तो फायदा कहां से होगा। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी आएगी सेवादार आपको पढ़ के सुनाएंगे। पवन खां इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग करने से जीव का नया जन्म होता है, हैवानी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और मालिक से अपना रूहानी रिश्ता लगने लगता है, कर्मों से नेह कर्म होता जाता है, होमे की मैल उतर जाती है और नाम रूपी जहाज पर बैठकर जीव भव सागर से पार हो जाता है, लोहा लकड़ी से लगकर तर जाता है। समय के अनुसार अगर मालिक की भक्ति इबादत की अभी तो पछतावा नहीं करना पड़ता। आपको सुख है तो भी सुमरण करो, और कोई दुखी है तो दुख सुमरण से ही कटा करते हैं, भक्ति इबादत से। लेकिन यह देखा गया जब आदमी दुखी होता है तो भक्ति करने लगता है, और जब सुखी होता है तो कहता है मुझे तो अल्लाह राम याद ही नहीं। यह गलत, दुख में सुमरण सब करें अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख शांति में मालिक को अल्लाह को राम को याद कर लो तो आपको दुख कभी आएगा नहीं, लेकिन आप सुख शांति में तो उसे याद करते नहीं, आप उड़ीकते रहते कब दुख आए। तो कर्म रोग जब आ जाता है तब आपसे भक्ति होती नहीं, क्योंकि आप रोगी हैं, आप परेशान हैं। इसलिए सुख में सुमरण करो तो दुख कभी होता नहीं। तो भाई साथ साथ भजन बोलेंगे और फिर आपको बताएंगे इस बारे में। तो भजन है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखिए जो सब नाश हुआ। हां जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।
रखे खत्म हो रहा खर्च तेरा के खत्म हो रहा खर्च तेरा कर ले उठ के वणज व्यापार कोई ये वक्त है माल खरीदन का तुझे आती नहीं विचार कोई एक बार जे डेरा कूच कर गे फिर आते न दूजी बार कोई जब माल खरीदने बिसन दासा मानस जन्म का नहीं अतबार कोई तू चाहे तो कतरे को समंदर कर दे तू चाहे तो मुफलिस को सिकंदर कर दे ठाकुर द्वारों में तू गुरुद्वारों में तू आबे जमजम की गंगा की धारों में तू तू ही उपदेश है कृष्ण कन्हैया का संदेश है कबीरा इंद्र की एक घड़ी कुआ बारा मास पर सत्संग की यादि सिमरन बरस पचास कीमती है ये समा इसे लगाता का कीमती है ये समा इसे लगाता कहाँ सत्संग में आ जा फायदा उठा जा देखे जो सब नाशवा कीमती है ये समा जन्म मुश्किल पाया है अनमोल ही बताया है 84 चक्कर लगाया है फिर यह हाथ में आया है हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा मिले ये बार बार ना कीमती है ये समा इसे लगाता कहाँ सत्संग में आ जा फायदा उठा जा देखे जो सब नाशवा सुवासों की लाया माल ठगाया पूंजी सुवासों की लाया भक्तों को माल ठगाया बन के व्यापारी सच्चा बन जिना कमाया क्या तू कमाया सौदा किया नाशवा कि करना था काम जो किया ना अल्लाह का नाम लिया करना था काम प्रभु का कभी चलाया ना प्रेम का प्याला पिया ना
मन को चोर भाता है, मांसंडा खाता है, पीता रहा शराब, कीमती है ये समान। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा। मालिक का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने तो जहां, कीमती है ये समान, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवान। बसा लिया गुलाम अपना बना लिया, मन माया ने बसा लिया गुलाम अपना बना लिया। घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। काल के धंधे जो काल के फंदे वो माया पदार्थ बना, कीमती है ये समान। समय का लाभ उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना। समय का लाभ उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना। कल पे जोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कैसा सत नाम जी जप ले नाम जी, फिर न मिलेगा समान, कीमती है ये समान, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवान, देखे जो सब नाशवान। जी तो अभी आपने भजन में सुना, नजम में सुना। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्र लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले या बार बार ना। मनुष्य शरीर आदमी जैसा आपको बताया, परमपिता परमात्मा ने, उस मालिक ने, उस राम ने, अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने, रब ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और ये समय, ये जन्म बार बार हाथ नहीं आता। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाने के बाद
ये मनुष्य शरीर सबसे आखिर में मिलता है। सबसे पहले जो आत्मा मनुष्य शरीर के रूप में बिना भक्ति के जाती है वो स्वर्ग नरक जन्नत दोजक में जाती है, उसके बाद वहां से निकलने के बाद वो या घास फूस वनस्पति में जाती है, फिर पक्षी, फिर जानवर और बिल्कुल आखिर में मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर में अगर मालिक की भक्ति की, उसकी इबादत की, तो यकीनन इस मृत्यु लोक में रहते हुए, इस नाशवान संसार में रहते हुए आप उस मालिक के रहमोकरम उसकी कृपा दृष्टि को पा सकते हैं। और अगर आप भक्ति इबादत नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो मालिक तो कण कण जर्रे जर्रे में रहता है, सबकी जानता है, उसको पता है कि अगर आप दिखावा करते रहते हैं और करते कुछ नहीं, क्योंकि भक्ति इबादत करना भी एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं वो मालिक की कृपा के काबिल ना तो खुद बनते हैं और ना ही किसी को राह दिखा सकते हैं। कई बार होता है लोग माला, हिंदी में कहते हैं माला और शायद उर्दू फारसी में कहते हैं तस्वी, सिख धर्म में कहते हैं सिमरणी, तो लोगों को माला घुमाते देखा है, लेकिन माला घुमाते घुमाते सारी दुनिया घुमाते हैं, वो कोई भक्ति का तरीका नहीं है। आपको एक बिल्कुल हमने आंखों देखी बात सुनाते हैं। एक बुजुर्ग अल्लाह राम का नाम ले रहे थे, माला घुमा रहे थे, हम भी पास जाके बैठ गए कि चलो मालिक की बात सुनते हैं, अच्छा कानों में मालिक का नाम पड़े। तो उनका एक पोता आया, नाती आया, कांच के कुछ गिलास पड़े हुए थे, तो उसने उस कांच के गिलास को तोड़ दिया सामान निकालते टाइम। बुजुर्ग गुस्से से लाल पीले हो गए, माला चल रही है पर मुख से अल्लाह राम का नाम गायब हो गया। क्या शुरू हो गया, माला घूम रही है, उस बच्चे को गालियां दे रहे, तुम मर जे बेड़ा बैठ जे, इतना नुकसान कर दिया, देख तेरे की। तो ये माला गालियों की चल रही है या भगवान की? माला तो कर्मे फिरे, अरे जीबा फिरे मुखमा है। माला तो कर्मे फिरे, अरे जीबा फिरे मुखमा है, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरण ना है। ये कोई सुमरण थोड़ा ही ना है। भक्ति कर रहे हो, दिखावा कुछ और, बैठे कुछ और, तो ये सही नहीं है। अगर भक्ति करनी है, जब आप सुमरण करने बैठो, सुबह शाम जब भी बैठो, तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह राम को ही याद करो। लेकिन आप भक्ति करने बैठते हो, भक्ति करते करते 100-100 काम करते रहते हो, आज ये होगा दुकान पे, वो होगा, इधर से टल्ली बजा रहे हो, ऐसे कर देंगे आज, वैसे कर देंगे, ऐसे ठग लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये क्या है बताइए? माला घुमाते घुमाते आज फलां जगह जाएंगे, वो ये करेंगे, अंदर विचारों में ये चल रहा है, मुंह पे राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मालिक मालिक मालिक, ये क्या है? तो ये भक्ति नहीं है। आपको गुरु नानक देव जी की एक बात सुनाते हैं। हकीकत उस समय सिख धर्म नहीं हुआ करता था, गुरु नानक देव जी हिंदुओं के गुरु और मुसलमान उन्हें कहते थे पीरो मुर्शिदे कामिल। तो एक बार वो सत्संग करते करते मुसलमान समाज में गए, वहां बहुत मुसलमान परिवार थे, इलाका था, तो सभी के सभी मुसलमान भाई आए, बड़ा इज्जत करने लगे, गुरुजी ने बातें सुनाई, उसको पीरो मुर्शिदे कामिल कहने लगे, खूब चर्चा चली। तो बादशाह के पास किसी ने चुगली कर दी, कि लोग ऐसे होते हैं जिनको मालिक की चर्चा करवाना या करना या सुनना पसंद नहीं होता, उनका काम मालिक के नाम को यहां तक संभव हो लोगों तक ना पहुंचे। तो उन्होंने बादशाह को कहा, हे बादशाह सलामत, ये जो गुरु नानक आया है असल में ये हिंदू है और ये मुसलमानों को बिगाड़ रहा है, ये नवाजता नहीं कर सकता, फजूल की बातें हैं। तो राजा ने बुलाया कि गुरु नानक देव जी पहुंचे बादशाह के पास। बादशाह कहने लगा, हमने सुना है तू सभी धर्मों को मानता है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कहते
हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, रूहानी सूफी संत। कहने लगे अगर आप सभी, नमाज का समय होने वाला है, मैं और मेरा मौलवी चलेंगे, आप हमारे साथ नमाज अदा करना। गुरु नानक देव जी कहने लगे एक बार और बोलो बादशाह। कहने लगा बोलने को क्या है, मैं और मेरा मौलवी जाएंगे, आप हमारे साथ नमाज अता करना। गुरु नानक देव जी कहने लगे चलो मस्जिद में चले गए, बैठ गए। तो मुसलमान भाई जैसे वज्र आसन में बैठते हैं, बैठ गए बादशाह सलामत और उसके मौलवी साहब, नमाज अता करने लगे। और नमाज अता कर चुके तो क्या देखते हैं, जैसे आमीन किया और देखा तो गुरु नानक देव जी तो पलाथी मार के बैठे हैं, नमाज अता कर ही नहीं रहे। बादशाह को बहुत गुस्सा है। नमाज अता हो गई, नमाज अता करने के बाद बादशाह कहने लगे ए पीर, हमने कहा था नमाज अता करना, आपने नमाज नहीं की। गुरु नानक देव जी कहने लगे सुनो बादशाह, आपने ऐसे नहीं कहा था। कहने लगे और क्या कहा था, आपने कहा था हमारे साथ नमाज अता करना। तो बादशाह कहने लगा हम तो यही हैं, नमाज अता कर रहे थे। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह आप यहां नहीं थे, आपका तो जिस्म इधर था, अंदर तो आप काबुल पहुंचे हुए थे कि सफेद रंग के घोड़े आए हुए हैं, कोई ले ही ना जाए, यहां तो जिस्म बैठा था सिर्फ ख्याल, और अरू तो आपकी वहां थी। बादशाह मान गया, अच्छे लोग होते थे। कहने लगा वाकई पीर मान गया मैं, मेरा तो जिस्म इधर था, मैं तो काबुल में घोड़े खरीदने में लगा हुआ था, पर मेरा मौलवी तो इधर था। गुरु नानक देव फिर मुस्कुराए, कहने लगे मौलवी साहब आपके घर गऊ ताजी ताजी ब्याई है, बछड़ा दिया है, आपको था कि पहले वाला दूध मैं पीऊंगा, कोई और ही ना पी जाए, आप तो वहां दूध पीने में लगे हुए, तो मैं तो अकेला रह गया, अब मैं अकेला नमाज अता कैसे करता। तो मौलवी साहब भी खूब हंसे, कहने लगे वाकई आप सही कह रहे हैं पीर, आप वाकई सच्चे हैं, क्योंकि जब अल्लाह की इबादत करो, ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम की भक्ति करो, तब सिर्फ अल्लाह राम ही जेहन में होना चाहिए, जुबान में और आत्मा में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति 5 मिनट भी करो तो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल 100% होगी, बाकी चाहे सारी उम्र लगे रहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उससे वो भक्ति मालिक की प्राप्ति नहीं होती, वो खुशियां, वो दयामेर, वो रहमत, वो कृपा दृष्टि नहीं बरसती। तो भक्ति करने के तरीके हैं, सही तरीके से करो, 5-10 मिनट भी काफी होता है। पर कई बार भक्ति करने बैठते हैं, कई लोग सवाल करते गुरु जी जम्भाई बहुत आती है, खाज खुजली होने लगती है, ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं जो पहले कभी याद आई नहीं। वाकई ऐसा होता है, क्योंकि मन नफ शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मालिक की भक्ति इबादत करे, वो तरह तरह के विचार देता रहता है, दिमाग में नेगेटिव विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। तो उसको रोकने के लिए चलते काम धंधा करते जीबा से आप सुमन करते रहिए, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीबा ख्यालों से ज्ञान जोगी। जब दोबारा से आप बैठोगे भक्ति इबादत में तो आपका ध्यान में रहमत भी आपको हासिल होगी। तो आगे आया जी, लाया ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बंजना कमाया। अहंकार, 5 चोर हैं, ठग हैं, कीमती पूंजी को ठगते रहते हैं, इंसान को बर्बाद, कभी कोई चोर तो कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। तो इनसे पूंजी बचाने के लिए सत्संग सुनो और सुन के फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपा करो, तो ये काम वासना क्रोध लो मोह अहंकार मन माया काबू में आते हैं। करना था काम जो किया ना, मालिक का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना, मन को जो भाता है मांस अंडा खाता है, पीता रहा शराब ताया है। बाहर वाले नशे सच्चे प्रेम के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं करता, जहाँ रूह की शराब है वो कहाँ की, शराब कहाँ की, इन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मजाजी शराब के 2000 मटके सतगुरु के प्रेम प्याले के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारे धर्मों में प्रतीक सख्ताई है। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण शिव पुराण में आता है क्लिक, लेकिन शराब निकली राक्षस पी गए, नशे निकले राक्षसों ने खाए, जहर जो निकला
वो शिवजी महादेव ने अपने गले में धारण किया और भांग नहीं पी, उन्होंने जहर पिया। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, नशे ना करना वरना आपका घर राक्षस प्रवृत्ति का, यहां लड़ाई झगड़े परेशानियां बीमारियां, और आपका शरीर रोगों का घर, बेचैनी का आलम बन जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों, नशा शराब ना पीना ना नशे खाना। इस्लाम धर्म में आता है शर प्लस आप, शराब को संधि विषेध करो। उर्दू फारसी में शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है, खाना पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी और दोजक में जलोगे। सिख धर्म में लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम उखड़ी रहे दिन रात। पोस्त अफीम शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है, अल्लाह वाहिगुरु के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में। ऐसा है नशा, क्या है वो नशा, कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर करके करीब करे। तो हमारे सारे धर्मों में नशे, फिर भी लोग नशा करते हैं। हम जहां जहां भी जाते हैं पता चलता है लोग अजीबोगरीब, जैसे नोएडा साइड में गए, लोग बूट पॉलिश उसको लगा के ब्रेड पे खाते हैं या नशा करते हैं। यहां आपके आए, यहां कुछ लोगों ने जो साइकिल के पंक्चर लगा लोशन होता है उसको किसी में डाल के सूंघ के वो नशा करते हैं। मेडिकल नशे हैं, चरस है, हीरोइन है, स्मैक है, शराब है। लोग कहते हैं हम नशा करते हैं, पर क्या करें, छोड़ना चाहते छूटता नहीं। इसीलिए तो आज आपकी सेवा में आए। हम आपसे पहले 5 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा चुके हैं, 5 करोड़ पूरी दुनिया में। अर्ज यकीन कीजिए, आप वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका अगर आप जान जाएंगे, किसी भी धर्म में रहो, सभी धर्मों का साझा है, सुबह शाम अगर उसको थोड़ा थोड़ा भी करने लग जाओगे तो कुछ दिनों में ही आपको नशा की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, बल्कि उल्टी तक आने शुरू हो जाएगी। रोज के 80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन, उसके साथ साथ शराब पीने वाले। नॉर्फिन फोर्टविन का एक इंजेक्शन कोई लगा ले जिसने पहले कभी ना लगाया, और पूरी डोज ले ले तो मौत हो जाती है। पर वो आदमी 80 इंजेक्शन लगाता था। 7 दिन में राम नाम की जाप से, अल्लाह मालिक की भक्ति से वो नशा छूट गया। 15-15 ग्राम रोज का चरस हेरोइन स्मैक लेने वाले, पूरी दुनिया से लोग वहां आश्रम में आते हैं, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। जो बहुत ज्यादा नशेड़ी लोग उठा उठा के चारपाई पे लेके आते हैं और 7 दिन में नशा छोड़ के अपने कदमों पे वो घर चले जाते हैं। हम कोई पैसा नहीं लेते, वहां डोनेशन नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि जब अल्लाह राम पैसा नहीं लेता तो फकीर क्यों ले। या तो वो पैसा लेता हो, आप हमें 100 दो, 10 हम रख ले, 90 मालिक को भेज दें। आप 100 दोगे, 100 के 100 ही हम डकार जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत। मालिक पैसा नहीं लेता, हमने सारे धर्म पढ़ पढ़ के देख लिए, बल्कि यही लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में लिखा है, पवित्र वेदों में, भगवान से मांगो, ध्यान देना, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगोगे तो उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसेगी, आपके दामन छोटे रह जाएंगे, उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है लेता नहीं। ये बात लोगों को बहुत कड़वी भी लगती है कि मालिक लेता नहीं। कैसे कड़वी लगती, क्योंकि सारे ही लेते हैं, कहीं भी जाओ, हम गए हैं, हर जगह गए हैं इस गुरुगद्दी में आने से पहले, अब भी जाते हैं, हर जगह गए। लोग कहते हैं हम रुक जाते, कहते रुक क्यों गए, हमने कहा बोलो क्या करना है, कहते जो श्रद्धा चढ़ा दो, हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती, कहते नहीं नहीं ये वाली श्रद्धा, पैसे, हमने कहा है ये कैसी श्रद्धा है,
कहते फिर श्रद्धा कौन सी होती है, आपको भी शायद ही पता हो, क्योंकि आप तो पैसे को श्रद्धा मानते हैं। भाई मेरी श्रद्धा तो 2 रुपए चढ़ाने की है, भाई मेरी श्रद्धा तो 5,000 चढ़ाने की है, इत्यादि इत्यादि की। श्रद्धा किसे कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, श्रद्धा भावना। किसी का एक बेटा हो, मालिक ना करे वो सैकड़े किलोमीटर दूर हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, पता ना चले बच्चा कैसे है, तो अपने आप आंखों से आंसू बह निकलते हैं, फोन करता पता नहीं चलता, बेचैन हो जाता है, तड़पने लगता है। ये है मां बाप की बेटे के लिए श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा अगर आपकी अपने बच्चे के लिए ऐसे है, तो ऐसी ही श्रद्धा के लिए आप 15-20 पैसे बना लो, मालिक साहब को गारंटी देते हैं, इसे कहते हैं श्रद्धा। ऐसी भावना होनी चाहिए, तड़प के उस मालिक की भक्ति इबादत करो। अरे तरी के रास्ते जो रहमतें मिलती हैं, खुश्क नवाजे खुश्क इबादत वहां तक नहीं पहुंच पाती, पल में पहुंच जाया करते हैं ये रास्ते। सो इसे कहते हैं भावना। नहीं लेता सारे धर्मों में, ये तो आदमी है, कहता है मालिक के नाम पे दे दे, लोग दे देते हैं, पर आपने कभी मालिक को उठाते देखा है, कहीं से पैसा उठाते देखा हो, रुपए उठाते देखा हो, नहीं देखा ना जी, मानो चाहे ना मानो। जरा सोचिए, अगर मालिक को पैसे की जरूरत है, तो हमारे धर्मों में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में, इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, और ईसाई धर्म में लिखा गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है मालिक। अगर मालिक को पैसे की जरूरत है, मान लीजिए वो पैसे पे खुश होता है, तो हमारे मेले कुचेले नोट क्यों लेगा, वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा, क्या कोई उसे रोक सकता है जी, क्योंकि वो तो हर जगह है। हम सच्ची बात बता देते इसलिए लोगों को अच्छे नहीं लगते, कईयों की दुकानें बंद हो जाती, क्योंकि लोग खाते हैं पैसा ले लेके मालिक के नाम पे, जो कि शरेआम झूठ है। मालिक तो देता है, वो लेता नहीं है, इसलिए हम उसे क्या दे सकते हैं जो हमें बनाने वाला है। और मालिक वो कभी नहीं होता जिसे आदमी बना दे, मालिक वो होता है जिसने आदमी को बनाया है, मालिक वो है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। आपको चमत्कार देखने हैं भगवान के, अल्लाह राम गौड़ खुदा रब के, आप चमत्कार देखने वाले बनो, कदम कदम पे चमत्कार हैं। जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे हैं, देखिए हर किसी का पत्ता अलग तरह का, खुशबू अलग तरह की, फूल अलग तरह के, उसमें डिजाइन अलग तरह का, क्या आदमी ने बनाया है? नहीं बनाया, तो उस मालिक का ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। एक आदमी कुछ चित्र बना सकता है, उस चित्रकार को देखिए, चित्र भी ऐसे बनाता है जिसमें जान भी होती है ना गजब का, है ना कदम कदम पे चमत्कार। देखने वाला बनो तो, इतने ज्यादा हैं, ना मानो तो आपकी मर्जी। तो भाई एक चमत्कार और आप ख्याल में आया, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है, और इस पे कितने टंके आए हुए हैं, टेलर मास्टर ने बाजू बनाए, यहां टंका लगाया, वहां टंका लगाया, कितने टंके लगे हुए हैं, जो भी आपने कपड़े पहने देखिए बहुत। पर है ना हैरानी की बात, हमारे शरीर पे उस मालिक ने चमड़ी चढ़ाई है और एक भी टंका नहीं लगाया, क्या ये चमत्कार नहीं? देख लीजिए उसकी फिटिंग कमाल है, आप उसको ऊपर नीचे कर दो तो बात अलग है, मतलब खा पी के कुछ कर लो तो वो तो अलग चीज है, लेकिन मालिक ने तो गजब की फिटिंग की है भाई, तो गजब है उस परमपिता परमात्मा का, गजब है उसके बनाने का। तो भक्तों के लिए तो उसके इतने चमत्कार हैं, श्रद्धा भावना वालों के लिए, पर हम आपको गारंटी देते हैं मालिक पैसा नहीं लेता। आप जो देते हो उसका फल मिले कि नहीं मिले हमें नहीं पता, पर हम आपको बताते दान कैसे करना चाहिए, जिसका फल 100% मिलेगा। आपके आसपास कोई गरीब आदमी बीमारी से तड़प रहा है, पशु पक्षी परिंदा, जाइए उसका इलाज करवा दीजिए, बदले में आपको फल ना मिले तो हम सत्संग छोड़ देंगे, और बताइए।
भूखे को खाना, प्यासे को पानी, विद्या दान, मरणोपरांत आंखें दान, जीते जी खून दान। अरे दान कीजिए, और फल ना मिले तो हम लिख के गारंटी दे देंगे आपको, जरूर फल मिलेगा, क्योंकि मालिक की औलाद का भला करना ही सच्चा पुण्य है, सच्चा दान है। मालिक नहीं लेता, लेकिन उसकी औलाद का भला करना, मालिक कमी नहीं छोड़ता। आपके बच्चे का कोई फायदा करे, आप कितने खुश हो जाते हैं? तो आप मालिक की औलाद का फायदा करोगे, भला करोगे, तो क्या मालिक खुश नहीं होंगे? मांस मजदूरी देत है क्या राखे भगवान। मांस के जगह जाके कोई मांस मजदूरी करता है तो उसको पैसे देता है, और अगर हम मालिक की औलाद का भला करेंगे, अगर मांस मजदूरी दे सकता है तो अल्लाह राम कोई आदमी से कमजोर नहीं, वो तो बहुत पावरफुल है, वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा, दया में रहमत से माला माल कर देगा। तो भाई दान को दान के तरीके से कीजिए, फकीर रोकते नहीं, अपने हाथों से कीजिए, या कोई पीर फकीर ऐसी जगह करवाए वहां जाके कीजिए, तो सुख मिलता है, तो शांति मिलती है, तो